नमस्कार, जगदूत हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र चैनल में मैं देव जी आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज मैं देव जी आपका स्वागत करता हूं। आज जहां कोरोना महामारी के बीच में या बाढ़ का दहशत हमारे ग्रामीण जनजीवन पे अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, जहां जीवन हलखान में है और यह जीवन की जो समस्या है हमारे गांव की और हमारे खगड़िया प्रखंड के उत्तर मारर और अलौली प्रखंड के सभी गांव की यह हालत कभी हलखान में है। आइए देखते हैं, हम अभी यहां हैं सोनमंडकी घाट पे, जहां पर हमारे पूनम विधायक जी खगड़िया के जो एक शेरोस्तान है और इनकी महानता काफी है कि इतने दयनीय स्थिति में भी ये अपने जानो प्राण और अपनी टीम को लेकर के इस पूरे गांव को मुआयना करने आए हैं कि या खुद जांच करेंगे, देखेंगे या खुद तय करेंगे कि यहां की आबादी जो है किस अवस्था में। तो आइए बने रहे जगदूत न्यूज पे और चलते हैं इस नाव के माध्यम से पूरे जहां की ओर और गांव की ओर, और दिखाएंगे हम आपको जगदूत टीम के माध्यम से कि गांव का ये क्या स्थिति है। बने रहे जगदूत न्यूज पर। आप देख रहे हैं यह जो स्क्रीन पे पीला मकान और यह जो बड़ा स्कूल दिखाई दे रहा है, यह मोरकाही थाना है और हाई स्कूल है जो उत्तर मारर पंचायत में पड़ता है। तो आप देख रहे हैं और एसडीआरएफ टीम के साथ श्रीमती पूनम विधायका जो खगड़िया प्रखंड के विधायका हैं, यह गांव की समस्या को जानने के लिए इस मौसम में भी निकल पड़े हैं और ये अपना कर्म क्षेत्र ही काम जानते हैं, जिसमें यह गांव की जो सूची है मधुरा, मुसहरी, बड़ी मधुआ, छमसिया, कमाथान, सारो, बेतरह, बचगस्का, बलौर, सौर, तीनगछिया और अलौली प्रखंड के भी खैरीकुटा, भीमा, अमौसी, दहमा, खैरीकुटा, कोयला, लदौरा, बनेहर, यह सभी गांव का परिभ्रमण करेंगे। तो आइए ले चलते हैं सबसे पहला गांव कमाथान की ओर, जहां हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आगे यहां पर श्रीमती पूनम विधायका जी इस गांव का जायजा लेंगी, गाँव की अवस्था क्या है और कैसे परेशान है, तो देखें बने रहें जगदूत न्यूज पर। मैं हम लोग आ पहुँचे हैं और श्रीमती पूनम विधायका जी इस गांव का जायजा आप देख रहे हैं। श्रीमती पूनम विधायका जी बात कर रहे हैं। खाना बना के देवे दिया पता खा ले, चार दिन पांच दिन से बच्चा सतुआ फेंक फेंक के रहे, मकई का आटा सानि के खाए के रहे, जलावन छे नहीं, चूल्हा चक्की छे नहीं, कौन सी पर खाना बना के देवे खाए ले। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। सुनीता देवी, और जलावन का दिक्कत है? जलावन का दिक्कत है, रहे के दिक्कत तकनी छे, यानी को रोटो लगा दिया, रोटो जहन बना देखिन सरकार के रोटे रंग हो गेलो। आप रसोई जा सकते हैं यहाँ से? विद्यालय में हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं, जनरेटर लगा हुआ है, राशन रखा हुआ है, सूखा पैकेट भी हम भेजेंगे। हम आपको दुख के इस कोरोना के घड़ी साल पानी आ जाता है, आपके दुख सुख में हम इस घड़ी में आपसे भेंट करने के लिए चल के आए हैं। पानी की समस्या है, डॉक्टर टीम की समस्या है, अगर हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ जाए, यहाँ कोई डॉक्टर की टीम नहीं आई अभी तक, इसकी समस्या है। जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए भी समस्या है। तो हम लोग व्यवस्था किए हैं रसों के, मध्य विद्यालय में जनरेटर लगा हुआ है, सारा भोजन की व्यवस्था है। अगर आप वहाँ चलना चाहेंगे तो सारी व्यवस्था हम लोग, कपड़ा अगर आप यहाँ से चलना भी चाहेंगे ऐसा जगह में, हम लोग ले चलेंगे। एक जान ले जो बकरी है नमा तनी को छ लोग तो काम जाएगा, फिर देखे के छ नियम क्या है। ठीक है, अभी सूखा राहत दे रहा है ना, आज हम दे भी सूखा राहत, उसमें चावल आपको है, आलू है, दाल है, नमक है, हल्दी है, ये सब चीज हम दे रहे हैं। और आपकी समस्या को मैडम जी और मैं भी अपनी बड़ी पदाधिकारी को अपना बदलाऊंगा जैसा निर्देश हुआ। तो आपने देखा कि श्रीमती पूनम विधायका जी उत्तर मारा के पंचायत में यह कमाथान स्थान पर गाँव में करा दी जाएगी और यह आश्वासन दिया गया। अब हम पहुंच गए हैं उत्तर मारर पंचायत के छमसिया गांव में, यहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए। यह सूखा पैकेट दे रहे हैं, उसमें 10-5 किलो चावल, 2 किलो आलू, 1 किलो दाल, आधा किलो नमक और एक। तो अब हम आ पहुंचे हैं उत्तर मारर के छमसिया गांव में, यहां पे राशन वितरण किया जा रहा है। तो देखें ये काफी के तरह बीच में गांव चारों तरफ पानी रहता है और इन लोगों को इस महीने में हमारी समस्या ये होती है कि मुख्यालय की दूरी 5
5 से 7 किलोमीटर है। एक तो यातायात का कमी है, दूसरा है इन लोग को इस कोरोना बीमारी से ये लोग जूझ रहे हैं। कमी है इन लोगों के कहने के अनुसार यहाँ मेडिकल टीम होनी चाहिए, एक अस्पताल होनी चाहिए, यहाँ अस्पताल की कमी है। दूसरा है कि जो राशन किरासन जो डीलर के द्वारा दिया जा रहा है एक महीना से इन लोगों को फ्री का, जो सरकार के द्वारा हम लोग के द्वारा जो चावल वितरण हो रहा है वो तो चावल का वितरण नहीं हुआ। और इस पंचायत में सबसे बड़ी बात है इन लोगों को जलावन का जो असुविधा है, जो समस्या मेडिकल, ये जो 11 टोला है मधुरा मुरकाही सारो बेता भुजघसका छमसिया कामाथान सिमराहा बलोर और शहरी तिंगछिया, ये 11 टोला में सही मायने में जो सुदूर इलाका है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ मेडिकल टीम के लिए हमने बात किया कि जो गर्भवती महिलाएं हमारी है अधिक है 11 टोला। घंटा को दबाकर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर हो। अनोखे न्यूज को देखते रहे जगदूत न्यूज।